झारखंड की 5 लोकसभा सीट के लिए प्रदेश में मतदान संपन्न हो चुका है। बता दें कि युवा और बुजुर्गों के साथ साथ प्रदेश की नामी हस्तियों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूती देने का काम किया है। इसी के तहत गढ़वाल रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने भी पौड़ी पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग अपने परिवार के साथ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को मत दिया है जो मजबूत के साथ संसद में इन मुद्दों को उठा सके। वहीं मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी अपने पोलिंग बूथ नौगांव पहुंचकर अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पौड़ी से मुकेश बछैती की रिपोर्ट। हाँ, युवाओं का भी मुद्दे हैं, नौकरियों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, और अगर वो ये आपका पेपर लीक के मुद्दे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, ढेर सारे मुद्दे हैं। अब इनमें ये युवाओं को ही सोचना है, उन्हीं को देखना है कि कौन सरकारें, कौन कैंडिडेट, कौन उम्मीदवार उनकी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ये तो लोगों को देखना है, सोचना है। ये तो इसीलिए वोट दिया, वोट की व्यवस्था है कि भाई आप जो लोग, जिन लोगों ने कुछ नहीं किया है संसद विधानसभाओं में जाके, उन लोगों को पहचानो। जो लोग कर रहे हैं, कर्मठ हैं, काम करते हैं, दिन रात लगे हैं, उनको पहचानो। यही है लोकतंत्र का तकाजा, और एक अच्छी सरकार चुनने का एकमात्र विकल्प यही है, और यही करना चाहिए। मैं अभी तक लगभग 25 से ज़्यादा पोलिंग बूथों में हो क्या रहा हूँ, और बहुत उत्साह है लोगों में मतदान करने का। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपने गांव से भी, मैं जब मतदान करने गया था तो मैं एक ही आह्वान कर रहा हूँ कि सब लोगों को अपना मतदान जरूर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि लोकतंत्र में मतदान का जो अधिकार सबको दिया गया है उसका उपयोग हमको जरूर करना चाहिए। और मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने अपने गाँव में अपने अपने बूथों पर जाकर मतदान जरूर करें।